अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं KFC स्टाइल कुरकुरे बर्गर। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पैटी तैयार करनी है। तो पैटी तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो हमने चिकन का कीमा लिया है, एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जिनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे हसबे जायका मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद ज्यादा स्पाइसी तो आप मत डालें। पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर है तो डाल लें, नहीं है तो मत डालें, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, चिली सॉस लेंगे हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस लेंगे हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें पैटी बनाने के लिए, सिंपल से पैटी बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई भी डाल सकते हैं। तो कीमे में हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पेपरिका पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस। अब इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे या चम्मच से भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं और इसके पैटी बना लेते हैं। तो ये देखिए कीमे में हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसकी हमने पैटी बनानी है। तो पैटी बनाने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे और थोड़ा सा कीमा हाथ में लेंगे और जितने साइज के आप पैटी बनाना चाहते हैं तो आप बना के रखते जाएं, जितने आपके बर्गर का साइज है उस साइज के आप पैटी बना लें। तो ये देखें ये बना के हम रखते जा रहे हैं, इसी तरह सारे बना लेंगे। चलें तो ये हमने 4 पैटी बना ली है, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को हम गर्म करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब एक एक पैटी पकड़ेंगे और इसको ऑयल में डालते जाएंगे। तो अब इनकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकालते हैं। चलो तो यहाँ पे हमने बर्गर बंस लिए हैं, आप चाहें आप होममेड भी ले सकते हैं और बाजार से भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बर्गर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे केचप बर्गर के ऊपर और थोड़ा सा मायोनीस, मिक्स कर लेंगे इनको और रखेंगे सलाद का पत्ता और पैटी जो हमने आपके सामने रेडी किए हैं, गोल स्लाइस में कटे हुए प्याज और ये चीज स्लाइस, बर्गर चीज स्लाइस हैं आप ले सकते हैं। और इनको हम कवर कर देंगे। तो बर्गर सारे रेडी हो गए हैं, तो अब हमने इनको कुरकुरे बनाना है। तो कुरकुरे बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, तो यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं 1 पैकेट। तो ये देखें इनको हाथ से हमने थोड़ा सा ऐसे कर लिया, मसल लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल थोड़े थोड़े छोटे छोटे मोटे मोटे दाने बन गए हैं। मैदा लेंगे हम 1 कप, चावल का आटा लेंगे हम 1/2 कप, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें कुरकुरे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम मैदा और चावल के आटे को मिक्स कर लेते हैं पानी में। तो एक बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे मैदा, चावल का आटा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये बैटर हमने रेडी कर लिया है, अब इसको हम बर्गर को कोट करेंगे इस बैटर में। एक बर्गर लेंगे और इसको हम कोट करेंगे इसमें। और अब हम कॉर्नफ्लेक्स का कोट करेंगे। और इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह हम बाकी के भी कर लेंगे।
तो ये देखिए ये रेडी है फ्राई होने के लिए, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए ढक दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसको डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे बिस्मिल्ला करके। चलें, तो साइड हमने चेंज कर दी है, देखें जो नीचे वाली साइड थी उस पर गोल्डन कलर आ चुका है, अब दूसरी साइड को हम देंगे उसके बाद निकाल लेंगे। तो चले, कुरकुरे बर्गर हमारा रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो तैयार है हमारे KFC स्टाइल कुरकुरे बर्गर, तो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही मजे के होंगे। तो चलिए मैं आपको एक काट के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जबरदस्त से हमारे कुरकुरे बर्गर अंदर से कैसे लग रहे हैं। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कुरकुरे बर्गर की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये KFC स्टाइल कुरकुरे बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन पर प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।